إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे ईमानियात में से है जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, उनमें से एक है नबियों पर ईमान लाना। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना ये ज़रूरी है, और इस उम्मत की खसूसियत यह है कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, कि हम रसूलों में से या नबियों में से किसी रसूल और नबी का इनकार नहीं करते हैं। यहूदियत की सारी बुनियाद इसी पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की जाए। ईसाइयत की सारी बुनियाद इस पर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जाए। और हमारी खसूसियत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, जिनकी तादाद अहादीस में 1,24,000 और उनमें से रसूलों की तादाद जो 315 आई है, इन सब पर हमारा ईमान है। हम किसी में तफरीक नहीं करते हैं कि किसी नबी को माना किसी को नहीं माना, ये इस उम्मत की खसूसियत है। तो लिहाजा यहूदी जितना मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई जितना ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनसे ज़्यादा हम हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उन पर ईमान रखते हैं। तो बहरहाल ये ईमानियात का सिलसिला है, और नबियों पर ईमान लाना ये ज़रूरियात दीन में से है। इस वजह से हम नबियों का तज़किरा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में जो भेजा था, वो हिदायत के मिशन को लेकर भेजा था, वो इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए भेजा था। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के अंदर अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत तो रखी है, लेकिन खालिस अक्ल इसकी रहबरी के लिए काफ़ी नहीं है और इसकी हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ वही की रहबरी की ज़रूरत है। और वो वही का सिलसिला अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इंसानों तक पहुंचा है, और अल्लाह तबारक तआला ने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम का ये मुबारक सिलसिला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया कि अब ये आखिरी रसूल हैं, ये आखिरी उम्मत है और ये आखिरी ज़माना है। और हमारा आपका यकीन है कि क़यामत कायम होने वाली है, दुनिया और तमाम मखलूकात फना होने वाली है। तो बहरहाल तो ये अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला हमने जारी किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अम्बिया के किस्से बयान कर कर सिर्फ एक कहानी बयान करना है, यह इसके पीछे कुछ मकसद है। जाहिर है कि कहानियाँ और दिल लगियाँ तो बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन कुरान ने जब किस्से बयान किए हैं अम्बिया के, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा। तो चुनांचे कुरान खुद उसका मकसद बताता है, वकुल्लन नकुस्सु अलैक मिन अंबाए रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ये जितने नबियों के किस्से हम आपको बताते हैं ताकि आपकी दिल जमई हो जाए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप जो दावत के मिशन को लेकर आए हैं, तो आपके लिए पिछले नबियों के किस्से ये तसल्ली का सबब बनेंगे, दिल जमई का सबब बनेंगे। तो जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दावत का काम इस उम्मत के हर फर्द की भी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा अम्बिया के किस्सों से हमें दिल जमई नसीब होगी, और हमें अपने ईमान पर अपने दीन पर साबित कदम रहना आसान हो जाएगा। ये कुरान ने नबियों के वाकयात जो बयान किए हैं उसका मकसद बताया, बल्कि आगे खुद बताया, वजाअक फी हाज़िहिल हक़ वमौइज़तुन वज़िक्रा लिलमुमिनीन, कि इसमें ईमान वालों के लिए नसीहत भी है, ईमान वालों के लिए मुज़ाकरा भी है। तो लिहाजा ये ईमान का मुज़ाकरा भी है, ये ईमान की नसीहत भी है,
और इसी तरह ये दिल जमई और साबित कदमी का सबब भी है। इस वजह से हम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले नबी हमारे लिए आदम अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह तबारक तआला ने इनको पहला इंसान भी बनाया है और पहला नबी भी बनाया है। पहला नबी इस वजह से बनाया ताकि इंसानियत का कोई ऐसा वक्त खाली ना गुजरे कि जिसमें किसी नबी की कोई तालीम ना रही हो। यह तो हो सकता है कि किसी वक्त में कोई नबी पूरी दुनिया में ना हो, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर आज तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 500 साल अरसा बीच में गुजरा है, कोई नबी पूरे रूए जमीन पर नहीं। लेकिन नबी ना होने का मतलब ये नहीं कि नबी की तालीमात भी नहीं, नहीं, बल्कि नबी की तालीमात जब से इंसान पैदा हुआ है तब से अंबिया की तालीमात, आसमानी तालीमात ये दुनिया में हमेशा बाकी रहे। इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने पहले इंसान को ही पहला नबी बना दिया। अच्छा, और फिर ये तो हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, और ये बात 100% सच और सही भी है कि इंसान जो बना है, ये इंसानियत जो चली है वो आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से चली है। अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, या अय्युहन नास तकु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। के लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने एक जान से तुमको पैदा किया है और उससे फिर उनका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से तमाम इंसानों को पैदा किया। तो लिहाजा इंसान इंसान से ही बना है, इंसान किसी बंदर से या किसी और मखलूक से नहीं बना है। कि ये जो एवोल्यूशन की थियरी है, इर्तिका का नजरिया जो है, ये खुद साइंसी एतबार से थियरी है, ये हकीकत नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। और फिर एक बात जहन में रखें कि साइंस की सारी बुनियाद तजर्बात पर है, कि जैसा जैसा तजर्बा होगा वैसे वैसे तहकीक बदलती जाएगी। चुनांचे मौजूदा चीजों पर तो तजर्बा हो सकता है, मौजूदा चीजों पर तजर्बा हो सकता है, लेकिन पिछली चीजों पर कैसे तजर्बा होगा? कि जब जो है आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया या पहला इंसान इस दुनिया में आया, उस वक्त में तो साइंस का वजूद नहीं था। आज सारी टेक्नोलॉजियां मौजूद है, तो आज की टेक्नोलॉजी से कई हजार साल पहले जब इंसान दुनिया में आया था उसका तजर्बा कैसे हो सकता है? तो लिहाजा साइंस की सारी बुनियाद तजर्बे पर और अक्ल पर है, और मौजूदा चीजों का तजर्बा यकीनन साइंस में हैरान कुन होता है। यानी आज जो चीज मौजूद है, आज जो बीमारियां हैं, आज जो मसाइल है, आज जो चीजें हैं, इस पर साइंस की मदद लेना और इसके जरिए से साइंस की चीजों को अपनाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कई हजार साल पहले जो चीज हो चुकी है, साइंस के पास ये टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि वो टाइम ट्रेवल कर सके, यानी पिछले जमाने में जा सके, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो लिहाजा जो है इस एतबार से जो पिछली चीजें हैं उसमें साइंसी चीजों पर जरूरी नहीं कि साइंस ने जो बात कही है वही दुरुस्त हो, इसलिए कि साइंस की वैसी भी तमाम बातें या तो तजर्बात पर होती है या वो जन्नी होती, यकीनी नहीं होती। जबकि हमारे पास जो सोर्स है, हमारे पास जो इल्म का माखज है, वो वही इलाही है। इसी वजह से पिछली मर्तबा भी बताया था, एक है इंसान के पास इल्म हासिल करने के दो सोर्सेज है, दो तरीके हैं उससे आदमी इल्म हासिल करता है। एक अकल के जरिए से, और अकल का दायरा बड़ा महदूद है। अकल जो है सारा इल्म हासिल करती है हवास से, खमसा से, देखने से, सुनने से, छूने से, चखने से वगैरह। तो हवास से, खमसा से अकल इल्म हासिल करती है और उससे तजर्बात होते हैं। लेकिन इंसानी रहबरी के लिए अकल काफी नहीं, बल्कि वही इलाही की जरूरत होती है। तो लिहाजा जहां साइंस काम नहीं करता है वहां पर वही की जरूरत पड़ती है। तो वही के जरिए से हमें पता चला है कि इंसान इंसान ही से बना है। लिहाजा ये, चूंकि ये बातें हमारे निसाबों में पढ़ाई जाती है, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में इस नजरिए इर्तिका का, एवोल्यूशन की थ्योरी का तस्करा होता है, तो बहैसियत मुसलमान हमको भी पता होना चाहिए कि ये इसकी हकीकत क्या है। और फिर साइंसदान भी मानते हैं कि ये नजरिया है, थियरी है, ये फैक्ट नहीं है।
खुद जो है जिसने डार्विन ने जब इसको पेश किया था तो इसको बतौर नजरिए के पेश किया था, बतौर फैक्ट के पेश नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि डार्विन ने ये नजरिया क्यों पेश किया था, क्या उसके असबाब और अवामिल थे। लेकिन बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं कि इस वक्त सिर्फ ये बताना है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और वो पैदा वो पहला इंसान है, पहले नबी है और इंसान इंसान ही से बना है, किसी जानवर से या किसी बंदर से नहीं बना। अलबत्ता हमें जो है ये वाकयात मिलते हैं अहादीस में कि इंसानों से नाराज होकर अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया, ये तो मिलता है, लेकिन बंदर या खिंजीर या कोई और मखलूक इंसान बन गई हो न हमें कुरान हदीस में मिलता है और न ही साइंस इसको साबित कर पाई है, न ही अकल इसको तस्लीम करती है कि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इंसान तो सरदार है, तो ये किसी बंदर से कैसे बनाया जा सकता है। बहरहाल तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमाया, कैसे पैदा फरमाया कि कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है सूरह बकरा में, और आदम अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र 25 मरतबा आया है आदम का लफ्ज, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर और बहुत सारे वाकयात तकरीबन कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक 13 वाकयात मस्कूर है, 13 वाकयात मस्कूर है और 25 मरतबा आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। तो जहां पर कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों में सूरह बकरा में सूरह आराफ में सूरह आले इमरान में सूरह माईदा में सूरह ताहा में सूरह यासीन में और सूरह कहफ में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, तो हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा फरमाया। तो कुरान करीम में अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को आसमान जमीन वगैरह इन तमाम चीजों को 6 दिनों में पैदा फरमाया, फिर उसके बाद फरिश्तों को पैदा फरमाया, फिर उसके बाद जिन्नात को पैदा फरमाया, और इस जमीन पर पहले जिन्नात आबाद थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया है नूर से, तो उनकी फितरत में इबादत दाखिल है, इबादत के अलावा वो कुछ नहीं करते हैं, कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है कि ला यासूनल्लाहा मा अमरहुम व यफअलूना मा युअमरून, ये जो बात कही जाती है वही करते हैं, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, नाफरमानी का मादा उनके अंदर है ही नहीं। दूसरी मखलूक अल्लाह ने बनाई जिन्नात, या उनको शयातीन भी कह सकते हैं, तो ये जो मखलूक है ये आग से बनी हुई मखलूक है, तो इसके अंदर नाफरमानी का मादा ज्यादा है, अगरचे जिन्नात में भी फरमाबरदार होते हैं लेकिन नाफरमानी का मादा इनके अंदर ज्यादा है, तो लिहाजा जब वो जमीन पर थे तो बड़े फितने फसाद किया करते थे और कत्ल गारत गरी किया करते थे, तो इनकी कारगुजारी फरिश्तों के सामने मौजूद थी। अब अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, फरिश्तों के सामने कहा कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो खलीफा से मुराद है इंसान, और अरबी जुबान में खलीफा के दो माना होते हैं, एक माना है कि एक के बाद दीगर पीछे आने वाला, तो इंसान ऐसे ही होता है, पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर उनके बेटे आए, फिर उनकी औलाद आई, फिर उनकी औलाद आई, तो एक के पीछे एक आने वाला है, तो इसका मतलब होता है खलीफा। दूसरा मतलब उलेमा ने बयान किया है, खलीफा का मतलब है जो किसी का कायम मकाम और नाइब होता है, जो कहीं ऊपर से अहकामात लेता है और नीचे नाफिज करता है, जैसे एक जिले को चलाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर अपने ऊपर से अहकामात लेता है और उस जिले पर नाफिज करता है, तो इसको कहा जाएगा खलीफा, कि ये खलीफा होता है। तो इंसान खलीफा क्यों है कि ये अल्लाह ताला के अहकामात को लेता है, कबूल करता है और सबसे पहले अपने आप पर नाफिज करता है, ये खलीफा इसलिए है कि सबसे पहले ये अल्लाह के अहकाम को अपने आप पर नाफिज करता है और फिर उसके बाद दुनिया पर नाफिज करता है, ताकि दुनिया में अदल और इंसाफ कायम हो सके, कि दुनिया में अदल और इंसाफ कायम होगा अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने से, वरना उसके बगैर कामिल अदल और इंसाफ दुनिया में कायम नहीं हो सकता है। और तीसरा मतलब उलेमा ने लिखा है खलीफा का कि वो शख्स जो जमीन को आबाद करे, जो आबाद करे वो खलीफा है। तो चूंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी थी
कि वो जमीन को आबाद करने वाला, कैसे आबाद करेगा, अपनी नस्ल से भी आबाद करेगा और अपनी इजादात से भी आबाद करेगा। आप देखते नहीं कि जैसे इंसानों की बस्ती शुरू होती है तो फिर उसमें हर तरह के मकानात आपको नजर आते हैं, छोटे भी मकान और बड़े भी मकान, कच्चे मकान, पक्के मकान, और जो है बैठे हुए मकान, और इसी तरह ऊंचे ऊंचे मकान, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और जो है आसमान को छूने वाली बिल्डिंगें, ये सब क्या है, इंसानी इजादात है। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसको खलीफा बनाया था ताकि जमीन को आबाद कर सके। तो बहरहाल फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, लेकिन चूंकि फरिश्तों को तजर्बा था जिन्नात का कि वो जमीन पर रहकर उन्होंने कैसे फसादात मचाए थे। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला ने जाहिर है कि जब ये बताया होगा कि मैं खलीफा यानी इंसान बनाना चाह रहा हूं, तो इंसानों की अच्छाइयां बुराइयां दोनों फरिश्तों के सामने रखी। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो कंपनी वाले उसका पूरा प्रेजेंटेशन पेश करते हैं कि इसके अंदर ये खूबियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने भी मुमकिन है फरिश्तों के सामने पूरा प्रेजेंटेशन पेश किया हो कि इंसान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसमें उसकी अच्छाइयों का भी जिक्र होगा और बुराइयों का भी जिक्र होगा। तो बुराइयों के जिक्र में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि इंसानों के दरमियान आपस में दुश्मनियां होंगी और वह एक दूसरे का कत्ल वारत करेंगे और एक दूसरे के लिए जो है जमीन में फसाद मचाएंगे और खून बहाएंगे। तो इस पर फरिश्तों ने कहा अल्लाह तबारक तआला से, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए बारी तआला, आप ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो जमीन में जाकर फसाद मचाए। देखते नहीं वर्ल्ड वॉर और पता नहीं कितने फसादात और कितने हालात इंसानों पर, इंसानों के जरिए से आए, आज तक आए हैं, आज भी आ रहे हैं, आइंदा भी आते रहेंगे। तो फरिश्तों ने यही कहा कि ये खून बहाने वाली मखलूक को बारी तआला आप पैदा फरमा रहे हैं, दिमा, और इसी तरह जो है ये कत्ल गारत गरी करेगी। तो फिर जहां तक इबादत का मसला है कि इंसानों में पॉजिटिव चीज क्या है कि ये इबादत करने वाले हैं, नेगेटिव चीज ये है कत्ल गारत गरी करने वाले हैं। तो फरिश्तों ने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, बारी ताला जहां तक इबादत और तस्बीह का ताल्लुक है हम तो ये काम कर ही रहे हैं आपके लिए, आप जैसा कहते हैं वैसा हम कर रहे हैं, तो फिर इंसानों को पैदा करने की जरूरत क्या है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि जो चीज मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने इसके दो तरीके से जवाब दिए, एक तो यही जवाब दिया खामोश करने वाला इल्जामी जवाब कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, बस बात खत्म, तुमको नहीं पता इसके पीछे क्या क्या हिकमतें हैं, बात यहां पर खत्म हो गई। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दूसरा अमली और प्रैक्टिकली जवाब दिया जो आदम अलैहिस्सलाम का दूसरा वाकया है कुरान में कि अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तालीम दी और उस तालीम के जरिए से, उस इल्म के जरिए से अल्लाह ताला ने इंसानों को फरिश्तों पर भी फजीलत अता फरमाई। हालांकि फरिश्ते गुनहगार नहीं है, इंसान गुनहगार है, लेकिन इल्म की वजह से, जो इल्म की फजीलत है, तालीम का मादा है, इसकी वजह से अल्लाह ने इंसानों को फजीलत अता फरमाई फरिश्तों पर। बहरहाल अब जो है यहां पर पहले पारे में तो इस बात का जिक्र नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बनाने का इरादा जाहिर फरमाया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया इसका जिक्र यहां पहले पारे में नहीं है, सूरह बकरा में नहीं है, लेकिन और जगहों पर अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक को बताया है कि हमने इंसान को किस चीज से पैदा किया। तो कुरान में मुख्तलिफ चीजों के नाम आते हैं कि इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया। कहीं पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहू मिन तुराब, कि अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तुराब से, मिट्टी से पैदा किया। तुराब कहते हैं मिट्टी को, यानी जो है जो जो आम सी मिट्टी नजर आती है उसको तुराब कहा जाता है। और कहीं पर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वल्लाहु खलककुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, कि हमने तुमको तुराब से, मिट्टी से पैदा किया और फिर नुतफे से, यानी मादा मनविया से पैदा किया। तो जाहिर है कि आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान हैं, इनको तुराब से, मिट्टी से पैदा किया और फिर उनकी नस्ल को नुतफे से पैदा किया, मादा मनविया से पैदा किया है। इसी तरह आगे अल्लाह तबारक तआला एक और जगह पर फरमाते हैं कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, पहले तुराब का लफ्ज आया मिट्टी,
फिर अब यहां पर अल्लाह कहते हैं इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि हमने तीन से इंसानों को पैदा किया। तीन क्या चीज है? तीन कहते हैं वो मिट्टी जिसमें पानी मिलाया हुआ हो, यानी जो जिसको अंग्रेजी में क्ले कहा जा सकता है, कि पानी मिली हुई मिट्टी के इससे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। तो जाहिर है कि मिट्टी के अंदर पानी मिलाया, और बाज रिवायतों के मुताबिक पानी कौन सा मिलाया? जन्नत का पानी मिलाया आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से, अपने हाथ से बनाया। इसलिए कि कुरान में इसका जिक्र है कि लिमा खलकतु बियदैया, कि शैतान से अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई मैंने जिस चीज को सजदा करने का हुक्म दिया था, जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया था, तूने क्यों इनकार किया सजदा करने से? पता है चला कि इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने अपने हाथ से बनाया। अल्लाह का हाथ कैसा है? जैसे उसकी शान के मुताबिक। हमको नहीं पता अल्लाह का हाथ कैसा है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इंसान की फजीलत में ये बात इरशाद फरमाई है। तो इंसान को बनाया है मिट्टी से, ऐसी मिट्टी जो जिसमें पानी मिला हुआ हो। एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाज़िब, ऐसी मिट्टी है जो चिकनी है, चिपकने वाली है। चुनांचे जब जो है मिट्टी के अंदर पानी मिला दिया जाता है तो वो इसी तरह की मिट्टी हो जाती है। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाया कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि ऐसी मिट्टी से बनाया कि जिसमें रेत मिली हुई हो, या ये कि जिसको आग पर तपाया ना गया हो, ऐसी मिट्टी से हमने बनाया। और एक चौथी जगह पर फरमाया कि खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, कि हमने ऐसी मिट्टी से इंसान को बनाया जो जो के खनखनाने वाली हो, जिसमें से आवाज आती हो। तो आप उसको एक मिसाल से समझते हैं कि जैसे एक गड़ा होता है पानी का, मटका होता है, तो उसको बनाने के लिए पहले सादी मिट्टी ली जाती है, उसमें पानी को मिलाया जाता है, और फिर पानी मिलाने के बाद जाहिर है कि ये तीन हो गया, और पानी मिलाने के बाद ये तीन लाजिब हो गया। अब उसके बाद फिर जो है उसको एक शक्ल दी जाती है मटके की, या किसी और चीज की शक्ल दी जाती है। तो ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने शक्ल दी, और बेहतरीन शक्ल में आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़े रखा आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को, और फिर उसके बाद जो है उसको आग में दहकाया गया ताकि वो पुतला पूरी तरह से खनखनाती मिट्टी की तरह से, जैसे मटके को आग पर तपाया जाता है तो फिर उसके अंदर से आवाज आती है, और फिर उसी आवाज की बुनियाद पर खरीदने वाला उसको खरीदता है कि ये अच्छा मटका है या बुरा मटका है, लोग आवाज से उसको जानते हैं। तो इस तरीके से बनने के बाद अब अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी। अब रूह क्या चीज है? इससे पहले भी बात आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रूह क्या चीज है, यसअलूनक अनिर रूह, तो फरमाया कुल रूह मिन अम्र रब्बी, तुम्हारे रब का अम्र है, बस इतना बताया। वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और रूह के बारे में तुमको कोई इल्म नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने रूह आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में डाली, और रिवायतों में आता है कि सर से रूह अंदर दाखिल हुई, और जैसे सर के अंदर दाखिल हुई और गर्दन तक आई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, और उस छींक पर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह तबारक तआला ने उसके जवाब में कहा यरहमुकल्लाह। एक और बात रिवायतों में मिलती है कि जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार करना था इसी तुराब से, यतीन से, या जो है जितनी चीजों का जिक्र आया है, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों में से एक फरिश्ते को, गालिबन जिब्रील अलैहिस्सलाम को या किसी और फरिश्तों के, कहा कि जाकर जमीन से मिट्टी ले आओ। चुनांचे वो जमीन पर आए, और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उन्होंने मिट्टी को लिया। इसी वजह से उस रिवायत में मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल मुख्तलिफ रंग की हो गई, कि जो है कोई सफेद रंग का, कोई थोड़े से गहरे रंग का, कोई और ज्यादा गहरे रंग का, कोई सफेद में सुर्ख सफेद है, कोई सफेद में पीला सफेद है। गर्ज ये कि ये जो मुख्तलिफ रंगत है, ये चूंकि दुनिया के मुख्तलिफ मिट्टियों को जमा कर कर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया था, इसलिए इंसानों की रंगत भी मुख्तलिफ होती चली गई। तो बहरहाल यहाँ पर जो है रूह दाखिल होने के बाद अब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा होते हैं, और हदीस पाक में मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम का कद जो था वो 60 हाथ का कद था। 60 हाथ का मतलब होता है 130 फिट का कद था,
130 फीट का कद आदम अलैहिस्सलाम का था। और फिर जब आप तारीखी रिवायतों को देखते हैं, जैसे कि आगे भी जिक्र आएगा कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में, हिंदुस्तान की जमीन पर उतारा गया श्रीलंका में, तो आज भी वहां पर कदमों के निशान है। उसको जाहिर है कि हमारे बिरादरान वतन अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन हम तो उसको आदम अलैहिस्सलाम का कदम मानते हैं। तो जिन लोगों ने आदम अलैहिस्सलाम का वो कदम देखा है, वो अंदाजा कर सकते हैं कि वाकई वो कदम इतना बड़ा है कि वो किसी 130 फीट के आदमी का ही कदम हो सकता है, वो 5-6 फीट के आदमी का कदम तो नहीं हो सकता। तो आदम अलैहिस्सलाम का ये कद था। इसी तरह बाज़ रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने जुमा के दिन पैदा फरमाया। जुमा के दिन ये फजीलत वाला दिन है, तो इस एतबार से जुमा के दिन अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई है। तो बहरहाल ये आदम अलैहिस्सलाम का पहला वाकया है जो कुरान करीम में जिक्र किया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया और किन मकासद के लिए बनाया। तो इसके लिए हमारी आपकी तखलीक हुई है, हम खलीफा बनकर आए हैं, हम अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने के लिए आए हैं, हम जो है जमीन को आबाद करने के लिए आए हैं। इसी वजह से ये शरीयत का हुक्म भी है और शरीयत का मंशा भी है कि हमें जमीन को आलूदा नहीं करना है। हमारा जो माहौल है, हमारे जो अतराफ है, उसमें हम ऐसा माहौल बनाकर रखे कि जिसके जरिए से वहां पर जिंदगी गुजारना आसान हो। गंदगी और इसी तरह नापाक चीजें और इसी तरह जो है खास तौर से आजकल के जमाने में प्लास्टिक का इधर उधर फेंक कर रखना या उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। बल्कि बाज़ तहकीकात के मुताबिक तो अब तो इंसानों के खून में भी प्लास्टिक के जर्रात मिल रहे हैं। यानी हमने इतना प्लास्टिक इस्तेमाल किया, इतना प्लास्टिक इस्तेमाल किया कि अब वो हमारे खून के अंदर दाखिल हो रहा है और हो सकता है वो इंसान के डीएनए पर भी फर्क डाल दे। तो इतना खतरनाक है। देखिए अजीब बात है, अल्लाह ने इंसानों को बनाया मिट्टी से, अब इंसान के जिस्म के अंदर बाल भी है, नाखून भी है, और पता नहीं अल्लाह ने कितनी कमाल के साथ इंसान को बनाया है। इसी तरह अल्लाह ने लोहे को बनाया, पत्थर को बनाया, ये तमाम चीजों को बनाया, ये तमाम चीजें इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। और जो है इंसान ने जाहिर है कि जो चीजें इनको लेकर बनाई, इंसान ने लोहा लिया और लोहे से बहुत सारी चीजें बनाई, मिट्टी ली, मिट्टी से बहुत सारी चीजें बना दी, लेकिन इंसान ने एक चीज की नई ईजाद की और वो है प्लास्टिक। इंसान ने एक चीज बनाई और वो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो गई। और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि दीगर मखलूकात के लिए, यहाँ तक के पानी की मखलूक और मछलियों के लिए भी वो प्लास्टिक जो है बड़ा नागुजीर हो गया है। तो बहरहाल ये अल्लाह की तखलीक है और ये इंसान की पैदावार है। ये फर्क होता है, चाहे इंसान कितनी तरक्की कर जाए लेकिन वो जाहिर है अपने खालिक का मोहताज हुए बगैर कुछ नहीं कर सकता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने, तो अब दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका है कि जो तरक्की के नाम पर, साइंस के नाम पर और पूरी तरह से उस तरफ माइल है। यकीनन अच्छी चीज है जैसे मैंने कहा साइंस, लेकिन साइंस उस वक्त अच्छा है जबकि वो वही की रहबरी के साथ मिल जाए। कि आज दुनिया में बेशुमार इंसान हैं कि जिन्हें पता ही नहीं कि हमें किसने बनाया, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें वो दीन अता फरमाया, अल्लाह ने हमें वो रहबरी अता फरमाई कि हमें पता है हमें किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, किस चीज से पैदा किया और हम में सबसे पहला कौन आया, क्या लेकर आया, कहां लेकर आया, कहां से आया। ये तमाम चीजें हमारे पास कुरान और हदीस की रहबरी में मौजूद है। अल्लाह करे कि हम इन बातों को समझने वाले बन जाए, हम इसको जो है अपनी जिंदगियों में अपनाने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।